राज्य कर्मियों यानी बिहार सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़कर 62 वर्ष करने पर विचार किया जा सकता है। विधान परिषद में सदस्य केदारनाथ पांडे के सवाल पर गुरुवार को कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नियमन दिया कि सरकार को समरूपता लाते हुए इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इसके बाद डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सरकार वेतन मद और पेंशन मद में खर्च होने वाली राशि का तुलनात्मक अध्ययन कर इस बिंदु पर गौर करेगी। एमएलसी केदारनाथ पांडे ने कहा कि देश के अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष है। क्या बिहार सरकार इस तरह का कोई विचार रखती है? इस पर पहले उप मुख्यमंत्री ने मामला विचाराधीन नहीं होने की बात कही, मगर सभापति के द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार करने के निर्देश पर उन्होंने कहा कि सरकार इस मसले पर जरूर ध्यान देगी। केदारनाथ पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने के कारण राजकर्मियों की उम्र और कार्य क्षमता दोनों बढ़ी है। मुख्यमंत्री भी यह बात कह चुके हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ने से सेवांत लाभ मद की बड़ी राशि अन्य विकास कार्यों पर खर्च की जा सकेगी। हर साल 150 से 200 करोड़ की राशि सेवांत लाभ में बढ़ रही है। वर्ष 2018-19 में सेवांत लाभ मद 1602 करोड़ था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 1711 और वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1963 करोड़ हो गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मेडिकल टीचर के लिए 65 साल, डॉक्टर के लिए 62 साल और दूसरे पदों के लिए 60 साल की सेवानिवृत्ति आयु तय की गई है। सभी पदों के लिए आंध्र प्रदेश में 60, त्रिपुरा में 60, कर्नाटक में 60, असम में 60, बिहार में 60, मेघालय में 60, मध्य प्रदेश में 60, छत्तीसगढ़, नागालैंड, गुजरात, उत्तराखंड में 60, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में 60 साल की आयु में रिटायरमेंट होती है। तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में 58 साल की आयु में कर्मचारी या अधिकारी रिटायर होते हैं। झारखंड और केरल में सेवानिवृत्ति आयु महज 56 साल रखी गई है। हालांकि इनमें कई राज्यों में सेवानिवृत्ति आयु घटती बढ़ती रही है। इसके अलावा विभिन्न पदों के लिए अलग अलग सेवानिवृत्ति आयु का भी प्रावधान रखा गया है। तो फिलहाल बिहार इंसॉर्ट्स की रिपोर्ट पर इतना ही। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।